हेलो एवरीवन, मैं हूं नलिनी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे छोटे से इन्वेस्टमेंट के बारे में जिससे करके आप एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा। दिस इज ऑल दोज बिजनेस जिसके बारे में हम पहले से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बट करने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि इसमें होने क्या वाला है, कितना लगने वाला है, क्या इन्वेस्टमेंट्स होंगे, क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप अपने इस बिजनेस में आगे बढ़ सके। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये बिजनेस है यूट्यूब का। हाँ, यूट्यूब एक अच्छा खासा बिजनेस जैसा ही बन चुका है अब के ज़माने में। वैसे तो ये पहले भी था बट अभी ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि हमने अपने आने वाले जो भी पीछे के जितने भी लोग थे, हमने उनको जब उनकी सफलता के साथ देखा तो हमें ये रियलाइज़ हो गया है कि कुछ तो बात है इस यूट्यूब में, और ये सिर्फ ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। अगर आप सीरियस हैं इस काम में तो आपको क्या सारी चीज़ों की ज़रूरत है जिससे आप इसमें डेडिकेटेडली आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपको वो बताऊंगी आज। तो हम शुरू करते हैं कि YouTube में एक्चुअली करना क्या होता है, क्या चैनल बनता है इसका, इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, आपका निश क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो हम शुरू करते हैं पहले फ्रॉम चैनल। तो सबसे पहले आपको पता है ऐप होता है YouTube, जहाँ पे जाके आप प्ले स्टोर से आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक YT स्टूडियो का भी ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए और YT क्रिएट का भी। ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसके यूज़ेस क्या हैं। फिलहाल मैं आपसे शुरू करती हूँ इक्विपमेंट्स का, मैंने क्या किया है या मैं कैसे कर रही हूँ मैं आपको ये बताऊंगी। फिलहाल मैं ये जो बात करने वाली हूँ, इट इज़ नॉट अ वेरी वो बोलते हैं ना छोटा मुंह बड़ी बात, तो ये वही होगा क्योंकि मेरे अभी इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है कि जहाँ पे मैं आपको ज्ञान या सजेशंस देने बैठी हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट, बट मैं ऐसा जानती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे यूट्यूब शुरू करने से पहले मेरे भी मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत डाउट्स था, बहुत कन्फ्यूजन्स था कि मैं शुरू करूँगी, क्या करूँगी, कैसे होगा सब कुछ, इसमें जो भी इक्विपमेंट्स लगता है उसके लिए क्या करना पड़ता है, कितने पैसे लगते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसकी वजह से मुझे बहुत डिले भी हुआ, एंड देन सबकी स्टडीज़ भी इम्पॉर्टेंट है एंड सो वॉज माइंड, पढ़ाई भी ज़रूरी थी और मेरी पढ़ाई चल रही थी, एंड उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ों में डिले हुआ। क्योंकि मैं जिस एजुकेशन से बिलोंग करती हूँ, दैट वॉज आर्किटेक्चरल, और आर्किटेक्चरल में उसके तो कॉलेज में बहुत सारा काम होता ही है बट उसके बैक एंड में भी बहुत सारे काम चलते होते हैं, लाइक शीट ड्राफ्टिंग्स एंड देन केस स्टडीज़, जहाँ पे केस स्टडी आपको किसी ऐसे लोकेशन पे जाके करना पड़ता है जिस भी डिज़ाइन के बारे में आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ पे वैसे ही डिज़ाइन का सिमिलर प्रोटोटाइप लेके या सिमिलर मैचिंग आपको स्ट्रक्चर लेके वहाँ जाना होता है, वहाँ के बारे में सब कुछ जानना होता है, सर्वे करना होता है बेसिकली, वहाँ का ब्लू प्रिंट्स, वहाँ पे छोटी मोटी बातें जो भी वहाँ के अथॉरिटी है, या अगर हमें उनके बिल्डर्स मिल जाते हैं या उनके आर्किटेक्ट्स अगर मिल जाते हैं तो फिर उनसे भी जाके इंटरव्यू करो, बातें करो। लॉट ऑफ लिटरेचर स्टडीज़ गोज़ एंड देन लॉट ऑफ फील्ड वर्क स्टडीज़ गोज़। तो इसकी वजह से मैंने अपने काम में इतना, लाइक यूट्यूब के काम में मैंने इतना फोकस होके काम उस टाइम पे मुझे करने का मौका नहीं मिल पाया, बट देन आई डोंट रिग्रेट इट। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि पढ़ाई भी प्रायोरिटी में होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें भी थी मेरे साथ। बट अब सिंस आई एम हेयर फुल फ्लेज्ड, मैं इसमें काम करना चाहती हूँ। मेरा जो अपना खुद का काम है वो तो चलता ही है, बट इसके अलावा भी अगर मुझे जैसे YouTube में ग्रो करने का बहुत मन है, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मुझे लगता है जहाँ पे अगर आप कुछ वैल्यूएबल चीज़ें लोगों को देना चाहते हो, यू आर एब्सोल्युटली वेलकम। अगर आपकी कंटेंट में कुछ ऐसा है जिससे आप किसी को सिखा रहे हो, किसी को इंस्पायर कर रहे हो, किसी की मे बी, यहाँ तक भी होता है कि किसी किसी की ज़िंदगियाँ पूरी की पूरी बदल जाती हैं जस्ट बिकॉज आपके ऐसे इंस्पिरेशनल कंटेंट है या आपकी ऐसी कहानी है जिसे सुन के, जान के, देख के वो इन चीज़ों में आते हैं एंड देन उनकी भी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। तो मुझे लगता है यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये चांस किसी को भी मिल सकता है, एंड इन अ वेरी मिनिमम एफर्ट्स। आई थिंक ये एफर्ट्स की बात मैं, ये इन एफर्ट्स की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे आपको मिनिमम एफर्ट्स लगने वाला है। दैट इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ अबाउट स्पेंडिंग मनी फ्रॉम योर पॉकेट। बाकी जो एफर्ट लगता है, एक्चुअल एफर्ट जो है, दैट इज़ योर हार्डवर्क, कि आप कितने डेडिकेटेडली, कितनी श्रद्धा से आप ये कॉन्टेंट्स बनाते हैं, क्या टॉपिक आप चूज़ करते हैं, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपको आप अपना जो ऑडियंस सोचते हैं जिनके लिए भी, जितने भी बड़ी मास आप जिसको भी आपने पर्सपेक्टिव में रख के ये कंटेंट बनाया हुआ है,
वो भी मैटर करता है, और ये बहुत इंस्पायरिंग होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, एक सोसाइटी में वो वैल्यू डाल रहे हैं जिससे पता नहीं कितने लोगों की, बट एक ना एक की तो ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, इतना तो मुझे पता है। तो आज मैं वही बात करने वाली हूँ अबाउट यूट्यूब, कि ये स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैसे करना है, एंड क्या क्या इक्विपमेंट आपको लगता है। और ये बिल्कुल रिलेवेंट है टू माई थिंग्स, कि मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी कैसे शुरू की और अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ सिर्फ कितने महीने में हूँ, और मैंने इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स लिया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ चैनल। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया यूट्यूब एंड YT स्टूडियो एंड YT क्रिएट आप प्ले स्टोर से या iOS के भी, जो भी अगर आप iPhone यूज़ करते हो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आपको क्या चीज़ें चाहिए एंड चैनल क्रिएट कैसे होगा। तो सबसे पहले चैनल की बात करते हैं। अगर तो चैनल क्रिएट करने के लिए यू जस्ट हैव टू मेक योर गूगल ID एंड वहाँ से यू कैन ईजिली लॉग इन टू योर YouTube, और वहाँ पे ऑप्शन आता है आराम से वेर यू कैन क्रिएट मल्टीपल चैनल्स। आप एक ही ईमेल आईडी पे मल्टीपल चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं, बट आई वुड से स्टार्ट विथ वन, बिल्ड इट एंड देन गो फॉर अनदर। बट अगर आपको लगता है कि आपके जॉनर्स डिफरेंट हैं एंड आपको मल्टीपल काम करने की भी आदत है या शौक है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट गो विथ वन। तो ये हो गया चैनल क्रिएशन। अब मैं बात करती हूँ कि इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या लगती हैं। इसमें कुछ खास इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत नहीं है एट फर्स्ट, जब आप नए हो इसमें, आप जब ग्रो कर रहे हो। तो यहाँ पे आप कहाँ से आते हो, आपका बैकग्राउंड कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे दिख रहे हो, क्या कपड़े पहने हैं, इन सबसे मैटर नहीं करता है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ये होता है कि आप जो बोल रहे हो उसमें कितना ऑथेंटिसिटी है, कितना दम है, और जो आप बोलना चाहते हो वो कितना क्लैरिटी से बाहर आ रहा है, और जहाँ जो भी विजुअल आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो कितना क्लियर है। आई एम नॉट सेइंग इट हैज़ टू बी परफेक्ट, लेकिन एक एवरेज होगा या अबव एवरेज अगर आप कर सकते हैं एफर्ट्स के साथ तो वो होगा। तो ये है अभी तक की बात। अब इक्विपमेंट्स में अगर बात करें और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं अपनी बात करती हूँ। एंड इसके लिए मुझे सबसे पहले तो एक फ़ोन की बहुत ज़्यादा, आई अंडरस्टैंड कि फ़ोन कैमरे की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैमरा हमेशा थोड़ा सा टैकी होगा टू हैंडल, क्योंकि यूजुअली जब भी आप कुछ रिकॉर्ड करोगे चीज़ें तो आपको वहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ईदर टू योर फ़ोन और योर लैपटॉप फॉर एडिटिंग, एंड देन आप वापस उसको अपने फ़ोन में लाके देन यू कैन और अपने लैपटॉप में लाके तब वहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हो अपने चैनल्स में। तो ये मुझे थोड़ा सा लॉन्ग टैकी लगा। इट्स बिकॉज आई, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो डेफिनेटली तो आप सब कुछ अकेले ही करोगे, आपकी ऐसी टीम नहीं होगी जहाँ पे कोई आपको रिकॉर्ड कर रहा होगा, कोई एडिट कर रहा होगा, कोई कॉन्सेप्ट बना रहा होगा, कोई स्क्रिप्टिंग कर रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो यू विल बी द वन मैन आर्मी एंड यू हैव टू बिहेव लाइक दैट। तो आपको ये बिहेव खुद ही करना पड़ेगा कि अगर आप अपने लिए इन चीज़ों के लिए खुद से मैनेज कर रहे हो तो आप कैसे करो कम से कम ट्रबल्स में या कम से कम थकान में आप कैसे एक अच्छी चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहला फ़ोन इज़ इम्पॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि फ़ोन लेके यू नो यूजलेस थिंग्स नहीं करनी, लाइक यूजुअली पीपल डू व्हाट, दे हैव गुड फ़ोन बट दे विल चैट विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से टाइम वेस्ट करेंगे बात करने में, या यूजलेसली कुछ सा भी सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया पे कंटिन्यूसली घंटों घंटों स्क्रॉल करते रहेंगे एंड दे विल जस्ट कीप ऑन इंडल्जिंग देमसेल्व्स इन गेम्स या फिर रील्स शॉर्ट्स, जो कि बहुत एडिक्टिव होता है। तो वो देखने में कंज्यूम मत करो अपना टाइम। अगर कंटेंट क्रिएशन में आना है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो कि यू हैव टू एक्ट मच मैच्योर दैन योर एज, क्योंकि तुम कुछ जो करना चाह रहे हो दैट इज़ काइंड ऑफ अ बिजनेस, एंड बिजनेस अगर कर रहे हो इट्स एब्सोल्युटली, मैं कंसिडर करती हूँ उसको एक बिजनेस ही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें सारे जैसे रिस्क बिजनेस वाले ही हैं, लॉस का, प्रॉफिट का, सक्सेस का, फेलियर का, जो कि इक्विवेलेंट है कि अगर कुछ बिजनेस शुरू करते हो तो वो इक्विवेलेंट रहता है वहाँ पे। बट सिर्फ एक डिफरेंस है जो कि ये है कि बिजनेस में आपको इनिशियली भी बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन यूट्यूब में अगर मैं यूट्यूब के बिजनेस की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर अगर सब चीज़ें आपके घर पे ऑलरेडी होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास ऑटोमेटिकली जिनके पेरेंट्स हैं अच्छा फ़ोन दे रखा है,
अच्छी चीज़ें हैं, यू हैव दैट पॉकेट मनी सॉर्ट ऑफ थिंग, जिसमें से आप थोड़े बहुत पैसे निकाल के चीज़ें ले सकते हो अपने लिए. तो मुझे लगता है कि वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट भी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही बन जाता है. ऑल्दो दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, बट दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑलमोस्ट नल टू देम, क्योंकि ये उनको वैसा बर्डन फील नहीं हो रहा दैट सम अमाउंट हैज़ टू कम एंड देन समथिंग हैज़ टू कम बैक और फिर वो चीज़ें बनेंगी. तो ये तो हो गई बातें. अब मैं बता रही हूँ आपको कि YouTube में आपने चैनल क्रिएट कर लिया, अब आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, एंड दैट इज़ अबाउट योर निश या जॉनर या फिर वॉट काइंड ऑफ कॉन्टेंट यू आर पैशनेट अबाउट और यू वॉन्ट टू शो और क्रिएट अबाउट. ऐसे भी बहुत सारे कॉन्टेंट्स हैं जहाँ पे फेसलेस कॉन्टेंट्स भी चलता है, बट देन आई वुड लाइक टू वॉर्न यू कि ऐसे फेसलेस कॉन्टेंट्स में प्लेजरिज्म की बातें बहुत ज़्यादा थोड़ी रिस्की हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑथेंटिसिटी होना थोड़ा ट्रबलिंग लगता है कि वो चीज़ें आपने कहाँ से उठाई हैं, कहाँ से बनाई हैं, क्या वो कॉपीड है. सो समटाइम्स देर कैन बी प्रॉब्लम्स फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स. बट इफ समबडी शाई इनफ एंड डोंट वॉन्ट टू कम टू द कैमरा डायरेक्टली एंड टॉक अबाउट, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बात करना पसंद नहीं होता, थोड़े शाई होते हैं, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत एज सच नहीं है, आप फिर भी वो काम कर सकते हो. एंड आई वुड से इससे अगर आप खुद आते हो कैमरे को फेस करते हो, बातें करते हो कैमरे के साथ, पर आपको पता है कि वो कैमरा बस एक वॉल है टू द ग्रेटर मास जो कि बाहर आपको देखने के लिए तैयार होगी. तो मुझे लगता है ये बैरियर अगर आप तोड़ते हो दैट ब्रिंग्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज़ ऑल्सो गुड इन इटसेल्फ. अगर आप करना चाहते हो आपको बस थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है, अगर नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं है. तो फिर अभी बात करते हैं हम, क्योंकि ये ऑलमोस्ट यूट्यूब हो गया बिजनेस के जैसा, अब इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होगा. तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है दैट इज़ योर इक्विपमेंट्स. जैसा कि मैंने बताया, यू डोंट नीड अ कैमरा, अ वेरी क्लासी अ गुड कैमरा, यू डोंट नीड दैट. आजकल आई एम हैप्पी दैट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सो एडवांस नाउ कि आप अपने फ़ोन से वही काम कर सकते हो जो काम आपको कैमरे की ज़रूरत से लगता है, बट ऐसा नहीं है. सो अ गुड फ़ोन इज़ ऑलमोस्ट ऑल द टाइम हेल्पफुल. अच्छा फ़ोन ले लो अगर है, गुड. अगर नहीं है तो समहाउ ट्राई मेकिंग इट अप टिल. अब अच्छे फ़ोन आई थिंक अच्छे कैमरा वाला फ़ोन आराम से आई थिंक 15 to 20,000 में आराम से आ सकता है. अगर मुझे नहीं पता मार्केट में अभी का क्या चल रहा है फ़ोन्स के बारे में, बट आई एम श्योर कि कैमरे अच्छे आ जाते हैं. अगर नहीं भी आता है तो एक्सट्रीम बहुत अच्छे पिक्सल्स वाले कैमरे में मत जाओ, टेक अ बेसिक वन जो कि 16 ऐसे GB में भी आ जाए, दैट इज़ इनफ, गुड इनफ पिक्सल्स फॉर योर रिकॉर्डिंग वीडियोज़ एंड स्टिल्स एंड एवरीथिंग एंड फॉर मेकिंग यूट्यूब वीडियो स्पेशली. तो फ़ोन हो गया एक पहला इक्विपमेंट. सेकेंड होता है यू हैव टू हैव अ गुड वॉइस. जैसे ये मेरा माइक्रोफोन है जिसे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, ये है DigiTech का और ये मुझे कुछ मिला था 699 में, कुछ 700 और अब मुझे लगता है इसका प्राइस और भी कम हो गया है. इफ़ यू सी एंड सर्च इन अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्लिपकार्ट या DigiTech में, तो मुझे लगता है कि ये और भी कम में मिल जाएगा, लाइक अराउंड 499, 500 से 700 के बीच में ये आराम से मिल सकता है. बट ये तो है मेरा जो मैं यूज़ कर रही हूँ, बट देर आर लॉट ऑफ अदर माइक्स एज वेल जो कि काम अच्छा करते हैं, लंबा चलते हैं, एक चार्ज में लंबा भी चलते हैं और रिकॉर्डिंग के लिए वॉइस आपको क्लैरिटी अच्छी मिलती है एंड इट्स अ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विच इज़ अनदर गुड थिंग. तो ये सारी चीज़ें हो गई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर कैमरा, सेकेंड इज़ योर माइक्रोफोन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड ऑडियो, एंड थर्ड इज़ अ लाइट. लाइट के लिए मैं बात करूँ तो बेस्ट लाइट इज़ सनलाइट, क्योंकि इट्स द बेस्ट आई वुड से. तो जब भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है या कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे आपको कंटेंट में लाइट चाहिए, प्रॉपर लिट रूम चाहिए, ऑलवेज गो सिट बिसाइड योर विंडो, बालकनी, जहाँ पे कम वॉल्यूम हो, आराम से करो. नेचुरल लाइट में मस्त रिकॉर्डिंग होती है, जस्ट ट्रस्ट मी. अभी भी जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आई एम नॉट यूजिंग एनी लाइट, क्योंकि समटाइम्स आई ऑल्सो लाइक कि थोड़ा सा सस्टेनेबल भी हो, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ हो, यू नो, कटिंग डाउन ऑल द अननेसेसरी थिंग्स. तो मुझे लगता है जब सूरज अच्छे खासे रोशनी हमें दे ही रहा है तो फिर हमें एक्स्ट्रा लाइट की क्या ज़रूरत है. मुझे लगता है ये लाइट्स हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारे रूम में नेचुरल लाइट का ऐसा कोई सोर्स नहीं होगा और हम बाहर जाके रिकॉर्ड करने लायक ऐसे सिनेरियो में नहीं होंगे, तब ज़रूरत पड़ेगी.
तो आप एक रिंग लाइट ले सकते हो। मेरे पास भी एक रिंग लाइट है जो कि मैंने अपने स्टार्टिंग में बहुत पहले ले रखा था। दैट इज ऑल्सो फ्रॉम डिजिटेक, जो कि 18 इंच का थिक रिंग लाइट है, जिसमें से दो डुअल शेड आता है, दैट इज वार्म एंड वन इज वाइट, एंड देन दैट इज अनदर इज नेचुरल। सो बेसिकली थ्री लाइट्स उसमें से, क्रोम्स उसमें से आती हैं, और उसको भी ब्राइटनेस उसका चेंज हो सकता है। सो इट्स अ प्रिटी गुड थिंग। आई थिंक पहले जब भी मैंने लिया था, इट केम एट अराउंड 499, और ये मैंने तब लिया था जब मैंने ट्रेनिंग अपने इंटर्नशिप में, खुद के इंटर्नशिप में से मैंने कुछ पैसे कमाए थे, एंड माई फर्स्ट अमाउंट वॉज आई थिंक 7,000। एंड माई मॉडलिंग असाइनमेंट, मैंने एक रैम्प शो किया था, दैट इज माई फर्स्ट एवर रैम्प शो, वहां से मुझे मिला था 13,000। वो मेरा फर्स्ट इनकम था। सो आई ऑलवेज न्यू कि दीज काइंड ऑफ मनी वुड बी एसेंशियल एट सम टाइम्स। तो ये पैसे मैंने रखे हुए थे, और उसी से मैंने अपनी ये लाइट ली थी, विच आई वॉज, ये आई थिंक उस टाइम पे लॉन्च ही हो रहा था। इट वॉज इन ईयर आई थिंक 2018, सो इट वॉज लॉन्चिंग बैक देन। ये रिंग लाइट, टाइप ऑफ रिंग लाइट वॉज लॉन्चिंग बैक देन, एंड ये मुझे कुछ 499 में मिला था। तो 5,000 का ये रिंग लाइट था, बट अब मुझे लगता है ये हाफ द प्राइस हो गया जो अभी मैंने उस टाइम पे लिया था। ये हाफ प्राइस में अब मिलता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड ऑल्सो बाय रिंग लाइट्स, बट अगर कभी ऐसा टाइम होता है जिस दिन में आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सके, या पढ़ने चले गए, या स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, रात को ही आपके पास टाइम है, यू कैन यूज़ दिस लाइट्स। अगर आपके पास येलो लाइट्स भी है, उसको आप एक वाइट अम्ब्रेला के साथ यू नो फिल्म आउट कर सकते हो। लाइक टेक अ बल्ब अम्ब्रेला ले लो, और उसको आराम से आप वहाँ पे लाइट फ्यूज कर सकते हो, जो कि बहुत सॉफ्ट भी हो जाएगा एंड यू विल गेट प्रॉपर लाइटेड। सो थर्ड इज इक्विपमेंट इज लाइट, एंड देन द फोर्थ इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप रिकॉर्डिंग क्या करना चाहते हो। जैसे ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो सिर्फ एक इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं अपने लाइफ के अराउंड, आपके पेरिफेरी में, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपका फूडिंग, आपका डे रूटीन, आपका सब कुछ, आप क्या करते हो, क्या पहनते हो, कैसे किसी फंक्शन में तैयार होते हो, एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड अ लाइफ स्टाइल निश। एंड ये निश बहुत पॉपुलर है, एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी कैन डू इट। आई थिंक आपको अपनी लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही, एंड देर हैज़ टू बी काइंड ऑफ कनेक्टिविटी कि आप उससे, आपके ऑडियंस कितना रिलेट कर सकती है, एंड दैट इज हाउ योर ऑडियंस स्टार्ट्स वॉचिंग इट। तो ये हो गया लाइफ स्टाइल, बट देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट एज वेल। जैसे दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ न्यूज़ है जो कि मे बी किसी को समझ नहीं आया, आपने उसे अपने लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में, आसान शब्दों का यूज़ करके कैसे आप उसे एक्सप्लेन करते हो, दैट ऑल्सो बिकम्स अ जॉनर। तो ये भी आपका निश बन सकता है। एंड देन देर आर लॉट, आपको क्या पसंद है, अगर आपको खाना पसंद है तो आप खाने के बारे में बताओ, या आपको घूमना पसंद है तो आप कहीं भी जा रहे हो, इवन इफ इट्स योर क्लोजर, घर से 4 कदम की दूरी पे है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे नेचुरल डे टू डे जो भी हम चीज़ें देख रहे होते हैं, मतलब नेचुरली हमारी आंखों से छुपा होता है, बट क्या वो खूबी आपके में है कि आप उन चीज़ों को भी उभार के देख सको। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ट्राई टू डू आउट ऑफ द बॉक्स। जब भी कभी आप कुछ ऐसा काम कर रहे होते हो जहाँ पे आपको, जो काम आपका फ्रेंड कर रहा है वही काम आप भी कर रहे हो, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट जो पीस ऑफ वर्क है जो आपका फ्रेंड कर रहा है, उसी पीस ऑफ वर्क को आप डिफरेंटली कैसे प्रेजेंट करते हो, या कैसे दिखाते हो, या क्या करते हो उसके लिए, ये आपका अपना स्टाइल होता है, दैट इज़ योर ओन पर्सनल। और ये मुझे लगता है इट्स लाइक अ क्रिएटिविटी कि आप एक ही उसी सेम चीज़ को कैसे दिखाने की कोशिश करते हो, दैट इज़ योर क्रिएटिविटी। तो जैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पावर पॉइंट बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो टॉपिक वही होता है, मे बी आगे भी किसी ने वही पढ़ा रखा है, आप भी वही पढ़ाने वाले हो, बट आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हो, क्या वर्ड्स यूज़ करते हो, कैसे एक्सप्लेन करते हो, ये कम्प्लीटली आपका स्टाइल होगा। और कॉन्फिडेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हाइल यू डू दैट। तो मुझे लगता है ये चीज़ें, उस एक सिमिलर चीज़ को अगर लगता है कि मे बी ये कॉपी हो जाएगा, या एक जैसा टॉपिक ही हर जगह चल रहा है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन आपका प्रेजेंट करने का तरीका कम्प्लीटली अलग है उन सब से, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक ही होगा और ये आपका अपना होगा। सो डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट कि टॉपिक सेम है, वो भी उसने भी यही किया, मैं भी वही करूँगा, एब्सोल्युटली नॉट। आपको प्रेजेंट करने का तरीका, आपकी सोच होगी,
और आपको उस पर काम करना होना चाहिए। तो ये हो गया YouTube का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज़ क्रिएटिंग कॉन्टेंट्स। चीज़ें इक्विपमेंट्स तो बहुत कम है, आई मीन यू डोंट नीड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट, बट नाउ अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट इज हाउ डू यू प्रोसीड विथ इट। तो सबसे पहले तो पहले के 3 साल 4 साल 5 साल भूल जाओ कि तुम ये कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि तुम्हें उससे कुछ चाहिए। जस्ट फर्स्ट ट्राई गिविंग हियर, गिव इट, ट्राई गिविंग। उसके बाद एक टाइम आएगा वेयर यू विल एक्चुअली स्टार्ट रीपिंग। सो डोंट थिंक कि ये काम सिर्फ इसलिए करना है कि पैसे आएंगे। पैसे तो डेफिनेटली आएंगे, कोई भी काम करो पैसे तो मिलेंगे, बट यहाँ पे एक ऐसा होगा कि तुम जो काम कर रहे होगे उस काम के लिए पहले यू विल हैव टू जस्ट कीप ऑन हसलिंग एंड देन परहैप्स यू स्टार्ट रीपिंग फॉर इट। सो थिंक लाइक दैट। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि अभी जो प्रेजेंटली जो भी काम कुछ कर रहे हो, डोंट सिट आइडल, बट डू नॉट ओवर थिंक कि यार यूट्यूब से कुछ नहीं होता या यूट्यूब में कुछ भी नहीं है। ट्राई डूइंग दैट अलॉन्ग विथ योर अदर थिंग्स, या फिर अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, यू हैव अ फैमिली बैकअप, यू हैव एवरीथिंग सपोर्टेड एंड यू जस्ट लव क्रिएटिंग कॉन्टेंट, आई थिंक दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन एज वेल। सो जस्ट डोंट थिंक कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जस्ट डाइव इन टू इट एंड स्लोली एंड स्टेडली यू विल रियलाइज कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसे कैसे कर सकते थे, एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट कमिंग टू यू। जैसे वो बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट मास्टर, सेम विल हैपन। जैसे जैसे अभी तो मैंने ये सारी बातें बताई हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बट जब इसमें मुझे और कुछ टाइम हो जाएगा, परहैप्स आई विल स्टार्ट गेटिंग नोइंग समथिंग एल्स, सो मुझे कुछ और बातों के बारे में पता चलेगा एंड जो कि तुम्हें और कोई नहीं बता सकता। इवन अगर कोई बताएगा तो तुम्हें वैसे समझ नहीं आएगा अंटिल यू योरसेल्फ गो एंड क्रॉस थ्रू इट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट एट स्टार्ट, ये मैंने बस एक स्टार्ट करने का एक तरीका बताया है। इट्स अ वेरी ईजी मेथड, ईजी इन द सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बट नॉट ईजी इन द सेंस ऑफ क्रिएशन एंड यू नो क्रिएटिंग समथिंग। सो अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन यहाँ पे मेहनत विल बी 100%। यू कांट थिंक कि मैं इसमें पैसे लगा देती हूँ एंड देन परहैप्स आई विल स्टार्ट गेटिंग मनी बिकॉज पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। यहाँ पे यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। अगर तुम्हारे पास ऐसी इतनी फन स्टोरीज है या फन लाइफ स्टाइल ही है तुम्हारा विच इज़ गोइंग टू हुक पीपल विद योर विजन या योर फ्रेम, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग। यू आर परहैप्स प्रिविलेज्ड, बट यहाँ पे भी वही बात अगेन वापस आती है कि तुम उसे प्रेजेंट कैसे करते हो, तुम उसे दिखाते कैसे हो। अगर तुम्हारी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है बट तुम उसे दिखा बहुत बोरिंग तरीके से रहे हो, जो इम्पोर्टेंट है उसको हटा दिया, जो अनइम्पॉर्टेंट था परहैप्स उसको लंबी ड्यूरेशन के लिए डाल दिया, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट यू। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि तुम उसे कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब वीडियो इन, जो भी कुछ सोच रहा है, कोई भी सोच रहा है 2024 में, इस साल, अब तो ये साल ख़त्म होने वाला है, बट अगर कोई सोच रहा है 2024 एंड होने से पहले आई हैव टू यू नो मुझे मेरा इनॉग्रेशन करना है चैनल का, यू कैन गो अहेड, डोंट थिंक अबाउट इट ट्वाइस, जस्ट डाइव इनटू इट। ये एक ऐसा पूल है, या मैं तो यही बोलूँगी इट्स लाइक काइंड ऑफ दरिया, जहाँ पे तुम्हें सीखना है तो कूदना ही पड़ेगा। यू कांट सिट एट द शो एंड थिंक कि परहैप्स मुझे कुछ चीज़ें आ जाएँ उसके बाद मैं अंदर जाऊँ, या ये चीज़ें मुझे मिल जाए तो मैं अंदर जाऊँ। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। डोंट थिंक ये फेल होगा या सक्सेस होगा, जस्ट डाइव इनटू इट एंड यू नेवर नो तुम्हारी मेहनत तुम्हें कहाँ लेके जाएगी या व्हाट योर फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। सो दिस इज़ वॉज ऑल अबाउट अबाउट यूट्यूब, कैसे शुरू करना है, क्या करना है, क्या मुझे ज़रूरत पड़ती है। यही दो चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ जस्ट अ फ़ोन, योर माइक, बिकॉज यू हैव टू हैव अ गुड वॉइस एज वेल, योर फोन, योर माइक, योर लाइट एंड अ ट्राईपॉड इफ़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मेरे पास एक ट्राईपॉड भी है विच अगेन केम इन एट अराउंड 600-700, मे बी अलग अलग कैटेगरी भी है, अलग अलग होता है, बट ये ब्लूटूथ है। बट देन मुझे नहीं लगता इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन, क्योंकि जब ये बैटरी इसका ख़त्म हो जाएगा यू हैव टू कीप ऑन यू नो री चेंजिंग द बैटरी। सो दैट वॉज इट फॉर इट। तो अभी ज़्यादा सोचने का नहीं है, करना है तो करो बिकॉज इट इज़ लाइक दैट।
once you dive into it, you'll learn a lot of other things. And if nothing else, perhaps you'll have the confidence that you have your own channel and you'll have that kind of proprietorship. मतलब तुम्हें वो एक authority feel होगी कि ये मेरी चीज़ है and मुझे इसे कैसे करना है. जैसे वो होता है ना कि अगर तुमने कोई बीज डाला and every time you'll have to be like पानी डालो उसमें, खाद डालो उसकी, थोड़ी बहुत gardening करो, you know, सूरज की रोशनी आएगी, बारिश होगी, and then the seed will start germinating. बाहर आएगा पौधा, धीरे धीरे बड़ा होगा, and then perhaps वो flower देगा या fruit देगा. So this is also same. Think about it like that, कि ये बीज है जो उसको डालना है, थोड़े टाइम उसमें अच्छे से दिल लगा के पानी डालो, जैसे कि मेहनत करो, कॉन्टेंट्स डालो, एंड देन स्लोली दिस विल ऑल्सो स्टार्ट रीपिंग यू फ्रूट्स और फ्लावर्स, दैट इज अप टू यू, और मे बी बोथ. सो डोंट थिंक एंड जस्ट डू इट. एंड आज का ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ. उसके साथ हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ फेस्टिव चीज़ें, क्योंकि फेस्टिविटीज़ भी आने वाली हैं, सारे त्यौहार अभी एक साथ आने वाले हैं, शादियों का भी सीज़न आने वाला है. सो लॉट ऑफ थिंग्स विल बी हैपनिंग एंड बैक टू बैक विल बी लॉट ऑफ यू नो लाइक लाइवली फीलिंग. तो उसके लिए भी आपको क्या ज़रूरत हो सकती है, या यू नो लाइक काइंड ऑफ ज्वेलरी, काइंड ऑफ ड्रेसेस. सो नेक्स्ट वीडियो वुड बी अबाउट दैट. तो ये तो था पहले बिजनेस, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू बी इंडिपेंडेंट. क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इट्स लाइक अ राइट, इट्स यू शुड हैव दैट. तो कोशिश करो एंड जस्ट डोंट फियर, डोंट हेजिटेट, जस्ट कम ऑन. और जो भी आपको कॉन्टेंट क्रिएटर अच्छा लगता है उसे देखो, उससे इंस्पिरेशन लो, एंड देन ट्राई रिक्रिएटिंग इट इन योर ओन वर्जन. That's what I always said, कि कुछ भी एक पीस ऑफ वर्क है एंड उसे आपका फ्रेंड और आपका फ्रेंड किसी और तरीके से करेगा, वही सेम पीस ऑफ वर्क आप किसी और तरीके से करोगे एंड दैट विल बी योर ओन. वो बहुत डिफरेंट होगा क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा, उसमें जो चीज़ें आ रही होंगी वो डिफरेंट होंगी. तो मैं वही बोल रही हूँ कि किसी भी एक चीज़ को देखने का एक ही नज़रिया नहीं होता है, देयर इज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ पर्सपेक्टिव्स. सो ट्राई ग्रैबिंग दैट, ट्राई मेकिंग इट आउट. That makes you a creative person. And if you are like that, if you don't like despondency, अगर आपको monotony पसंद नहीं है, routine life पसंद नहीं है, do this thing. Come on to YouTube, try creating a channel. So, see you next time with your new channel. Bye, I love you.